क्या हेलो, आप ही से बात हो रही थी? नहीं, फैजान जी से हो रही थी। और मैंने ये इनको वीडियो वाली फेक दी थी, और कह रहे थे जॉब से मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। इनसे अभी आ जाओ। हां, आपसे बदतमीजी करिए डर होने। नहीं, मुझसे नहीं, मैं आया था सर। आ जाओ, ठीक है। कह रहे थे मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने बोला सर ये जो ओवर बिल बन रहे हैं कैसे हैं ये? अरे क्यों डर रहे हो यार, जब आ गए हैं तो डर के मारे। बदनाम करना है। अरे पहले तुमने देखो जीरो पर्ची लगी और बाद में 6,000 8,000 का है तो आओ अंदर, अभी ठीक कराते हैं। बदनाम करना काम है। आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मैं कराता हूँ। क्या हमारे हम जमा करने में कोई बात नहीं। आ जाओ, कहाँ पर है जडारो साहब? जडारो कौन है? आ जाइए, उनको भेजिए पहले तो। किस किस से बदतमीजी करिए जडारो साहब ने? आ जाओ, आज इनका हिसाब करने आए हैं पूरा। इनके लिए कुर्सी लगाओ, बुजुर्ग हैं। दिखाइए क्या हुआ, मुझे बताओ। देख रहा है, हमने क्या है मायदे कि आपका पलंटिंग मारेंगे। ये पहले जीरो पर्ची लगी, ठीक है, और बाद में देखो 6,000 7,900 ये कैसे है जी? उनको भेजिए जरा ये कंप्यूटर आरएमएस पर। और ये कह रहे हैं कि आप इन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। मेरे पास तो आरएमएस वाला ये पर्ची रख लगा मेरे पास। कौन सा वाला? ये वाला बिल अभी के अभी हाथ का चेक करके दिखाओ कि कैसे है। जीरो आ रहा है, फिर एकदम से 8,000 आ गया। क्या बदमाशी हो रही है बिलिंग में? यहाँ पे मीटर रीडर हमारे जलकोट के हैं कि अभी हाथ का करा कर दो। हाँ, ये बदनाम करने को बैठे हैं। अभी मैं सबसे इनका हिसाब करने आया हूँ। 7,600 कुछ रुपए का है, 2 महीने का बिल। उससे पहले 0,0 आ रहे थे। ये देखो ये कैसे है कि हर महीने का आपकी जो बिलिंग साइकिल 2 महीने की होती है, बिल 0 आ रहा है और एकदम से हम ये कह रहे हैं 7,626 रुपए का। पहले का जीरो सर, अभी चेक करके दिखाओ। 6,070 रुपए का आ रहा है। ये कैसे हो सकता है 6,000 रुपए का 2 महीने का बिल? भैया जी, एक बिल ये रहा 7,070 का है और ये मैंने चेक भी किया था यहाँ पे। और ये भी गलत क्या बदमाशी चला रखी है दरारो साहब यहाँ पे? ये भी जीरो बता रखा है। 2300 मैंने जाड़ो साहब को भी दिखाया था। सही कह रहे हैं बाबूजी, कह रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। तो अभी इतने सालों से जीरो ही आ रहा था, जब से केजरीवाल सरकार आई तब से जीरो आ रहा है और एकदम से 7,000 आ गया। आने लगा क्या मजाक है यार? जब ही तो आज लगे भाई, जब ही ये पब्लिक भगी तुम्हारे पास। ये है बाबूजी का, ये बाबूजी का। इधर आ जाओ, आओ आप भी आ जाओ बाबूजी, इधर आ जाओ। ये तो मैं आया तो मुझे बाहर मिल गए, अभी जब मैं आया एक बार ढूंढ जाओ, ठीक है ना? अब इसमें बदनाम करने के हैं ये संरचना, ये सरकार को बदनाम जरा। केजरीवाल काम अच्छा कर रहे हैं ना, पब्लिक को बड़ी आराम दी, लाइट पानी सब चीज का। ये देखो, अब इधर देखो जटारो साहब, बिलिंग साइकिल जो होती है आपकी 2-2 महीने की, हर महीने में आ रहा है बिल 0 क्योंकि आपकी जो मीटर रीडिंग है, जो मंथली कंजम्पशन आ रहा है वो लिमिट में है। 9 KL, कभी 17, कभी 31। 31 भी 2 महीने का हो गया तो 15 हो गया, 15-16, 26 2 महीने का, 51 एकदम से 203 पहुंच जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जून और अगस्त के बीच में इन्होंने इतना पानी की खपत कर ली, जब वो पूरे पिछले 4-5 साल में बिल्कुल हमारी 20 KL वाली स्कीम के अंडर आते हैं। इनकी महीने की खपत 20 KL से कम है, इतने सालों से इनको पानी का बिल 0 आ रहा था। अब एकदम से 203 यूनिट अगर आप दे दोगे केएल दिखाकर तो इनका बिल आएगा ही 7,000 का। ये कैसे आ गया? इसकी इमेज देख लो यार, कौन है मीटर रीडर? कौन है सरकारी मीटर रीडर है? कौन है आप मीटर रीडर? कैसे आ गया? सर ऐसे आ गया जी, इनको 4 मंजिल मकान है जी इनका, 5 मंजिली, और पहले किराएदार नहीं थे। अरे वो मत बताओ, आज कैसे इतने सालों से कैसे नहीं आ रहा? देखिए हम चल रहे हैं जी, सब किराएदार मतलब पहले नहीं थे, किराएदार रख के लिए देख लो जाकर के 4 मंजिल पे किराएदार है, इस वजह कंजप्शन रीडिंग आ रही है। पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले किराएदार, पहले 2 साल से किराएदार नहीं थे? नहीं जी, एक ही मंजिल मकान थे, 3 साल से किराएदार सर मकान बनाया इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सिचुएशन में पिछले 2.5-3 साल से इनको बिल नहीं आया,
एकदम से अब अगस्त सितंबर के महीने में बिल आ जाता है। किराएदार पहले भी थे आज भी हैं, उतने ही लोग पहले भी थे आज भी हैं, उतनी खपत पहले भी थी आज भी है, क्या बदला सर? क्या था इनका? अब इन्होंने मकान बनाया नया, पहले नहीं था, पहले कंजप्शन जो आ रही थी, अब मीटर के अंदर यही। मैं तो ऐसे पुराने मकान में आया हूं, आपका खोल लेते, आ जाओ इनका खोलो, हमारे इनका भी खोलो। मैं तो जी दो साल से वो 7,000 भाई, इनके है हम तो एक फैमिली रहते हैं, अभी कराते हैं, हमारे पहले हमारे पास किराएदार, चिंता नहीं करो, आज भी ठीक कराने आया, सारा ठीक करा के जाऊंगा। हमारे केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा काम करे, पब्लिक बड़े आराम में रही, बड़ा सुख रहा, पानी भी, लाइट भी, सब चीज। मगर यह अब हाय हाय मची, हम ही नहीं, काफी पब्लिक आया है। ये वाला केस है सर, हाँ ये है ट्रेंड, इनका भी 200-300 इनका है। चलो हम किराएदार रखें, ये तो नहीं किराए, इनका क्या मंजिल का मकान? जमीला बेगम के नाम पे कनेक्शन, हाँ इनका पूछो। अब ये रहते एक रहते F2 37 सुंदर नगरी में, ठीक है जी। हर महीने की इनकी जो कंजम्पशन, हर दो महीने की साइकिल होती है आपकी, तो दो दो महीने में कभी 67, 62, 59, 64, 31, 27, 71, 50, 60, एक बार 203 आ गई, उनकी भी 203, इनकी भी 203, ऐसे कैसे हो गया जी? तो 203 का है, एक और 203 है, और सर एक और है, एक और है जो जो मीटर में इनके सबके मीटर रीडर यही है, हमारे यही है, हमारे यही है सर। मीटर का जो मीटर में रीडिंग आ रही सर, वो मीटर में रीडिंग लगाते हैं सारे मीटर 203 हो सकती है, मतलब एक में दो में हो सकती है, मतलब आपको लगता है हम सब पागल हैं, हमें समझ नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे? 203 आ रहे हैं सारे, सबके घरों में 203 आ रहे हैं, नहीं सर 203 किलो लीटर की कंजम्पशन सबकी इकट्ठे हो रही है, खाली 203, ना 201 ना 204, सबकी 203 सर। मैंने मजाक बना रखा है यार, लोगों को परेशान करते हो, फ्लोर सिस्टम था जी वो खत्म होगा, 40 यूनिट है इस वजह से इनका बिल बुला। मैं ना आप सबको 56 में रिटायर करूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, परिवार वाले भी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे 56 में रिटायर हो गए तो। तो मेरे को आने की जरूरत क्यों पड़ी? ये चेकिंग तो आपको वैसे ही करनी चाहिए, आप ZR हो यहाँ के, और ये बता रहे थे, कौन बता रहा था भी बदतमीजी करते हैं? भैया मैं गौतम जी के ऑफिस में काम कर रहा था, इनके पास आया, कहते मैंने इनको बिल दिखा, ये फेक बिल है इनका। मैंने बोला सर ये गौतम जी के ऑफिस के बिल, इनको चेक है, कह रहे तुम हमारा दिमाग खराब करने आ जाते हो, तुम्हें गौतम जी पैंट पहना के अच्छे से कपड़े पहना के भेज देते हो, ये बिहेव था सर इनका, ZR साहब का ऐसे बात कर, आपने बोला था मुझसे भैया, तभी मैंने आपको मेल भी किया था सर, ये भी कह रहे थे मतलब कहीं भी चले जाओ बिल इतने, ये भी बोला, ये भी चले जाओ कम नहीं होने का। आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं और लोगों से, क्षेत्र की जनता से और सरकारों में क्या होता होगा पता नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है, या ना भ्रष्टाचार टॉलरेट होगा और ना बदतमीजी टॉलरेट होगी, ठीक है ना? और आप लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, 56 में रिटायर करेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे आप और आपके सारे स्टाफ, ये बात समझ लो, गांठ बांध लो, लापरवाही नहीं होनी चाहिए कान में। ये सारे के सारे बिल मेरे को जीरो दिखने चाहिए, सारे बिल और पूरी सुंदर नगरी के। आप स्पेशल एक्सरसाइज करिए, सुनिए मेरी बात, मीटर रीडिंग को छोड़ो, आप खुद अब एक एक घर में जाओगे, एक एक घर में जाकर खुद मीटर रीडिंग लोगे, जहां जहां बिल रेक्टिफाई कर रहे हैं हाथ के हाथ रेक्टिफाई करोगे, डायरेक्टर रेवेन्यू का अप्रूवल चाहिए तो डायरेक्टर रेवेन्यू का अप्रूवल लोगे, और जहां बिल हुए कहीं गड़बड़ निकली, मीटर रीडर की गड़बड़ निकली तो मीटर रीडर की गर्दन कटेगी, ठीक है? अब मैं इनको बख्शूंगा नहीं, ये आज सस्पेंड है आदमी, अगर ये सारे बिलों को 203 दे रहा है ये आदमी गया, ठीक है जी, सिंपल चीज है। और कहीं मीटर रीडर की कोई गड़बड़ निकली, रूथलेसली मीटर रीडर को निकाल बाहर करना, और अगर नहीं किया तो 56 में आप रिटायर हो जाओगे, सिंपल बात है। मैं अभी इसके मिनट्स होता मीटिंग बना के जारी कर दूंगा। ये देखो भैया 8,700 रुपए का बिल, ये किसका 8,700 का? कितने लोग रहते हैं जी घर में? कितने लोग हैं घर में? तीन लड़के हैं और लड़की की शादी हो गई, अपने घर है, वही मेम्बर है जो पहले थे वो आवा है मेम्बर। उतनी खपत है पानी की जी, पानी की पुराने घर है जी, क्या पहले पुराना। इसका मीटर रीडर कौन है? आप ही हो सर, रीडिंग देख लो जो रीडिंग से फोटो ले रखे जी सर मैंने, अगर मेरी गलती है सर देख लो, देखिए क्या ना कोई किराएदार ना कोई से पूछ लो जी, पहले कोई किराएदार है घर में? हमारा तो किराएदार चल रहा है, कोई किराएदार भी नहीं है, सब हमारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं घर में, पहले भी इतने आदमी, अभी भी 4 लोग, इतना 1000 मिला था नहीं हो सकता है, कैसे आ रहा है बिल? आप यहाँ से इंक्वायरी भेजिए, आप मैं खुद चेक करूंगा,
ये तो सीधी सीधी लूट मचाई हुई है, करप्शन चल रहा है, बदनाम कर रहे हैं केजरीवाल भैया। के नंबर ये सारे आप ही के लिए हैं, ये सारे नोट करो, ये देखो ये 5,500 से आपको क्या पता है 39 नंबर इसका, ये सब उसी गली के हैं, सब ये के लिए हैं, F2 के लिए हैं सारे, वो जो ऑर्डर निकल रहा है उसको 6 महीने उसी के लिए, वो उस पे तो मैं आ रहा हूं, उस पे अलग से ये भी निकल रहा है, ये क्या आ रहा है सर? वो ये 52 55 47 60 140 ये भी वही अब नॉर्मली आया। अरे हम तो वहाँ बैठे इतनी देर, ये वाला चक्कर नहीं देखेगा और इससे भी घर सब परेशान हो गए, अब उनसे पैदल आई हूँ। ये मीटर इधर आज हट जाना चाहिए, ठीक है, इसको तो आज सस्पेंड नहीं करना है, टर्मिनेट करना है, सस्पेंशन इलाज नहीं है, टर्मिनेशन इलाज है। यार कोई बात है, हिसाब से भेज दे, सब पब्लिक भेज दे, बिजली बिल आ रहे हैं, सब भेज चले जाए, कोई नहीं शिकायत कर रहा हूँ। राजन जी 5,000 पूरी सुंदर नगरी, अब ये खुद अपने पाँव पे घूमेंगे, एक एक घर जाएंगे, दरवाजा खटखटाकर एक एक मीटर को खुद अपनी आंखों से देखेंगे, और अगर ये एक्सरसाइज उन्होंने एक हफ्ते में कंप्लीट कर पूरी रिपोर्ट आपको और मेरे कार्यालय में नहीं दी तो 56 में ये भी रिटायर होंगे। और इनको ऑर्डर कर दो, इनको मीटर इधर साइड आ जी, ठीक है। है कि जब आपने कोविड के चलते 3-4 साइकिल में फिजिकली जाकर मीटर की रीडिंग नहीं ली, ठीक है ना, और एवरेज बिलिंग कर दी, उसे 0-0 दिखा दिया, फिर जब जाकर ली तो कंजम्पशन ज्यादा आई क्योंकि 8-9 महीने 10 महीने की कंजम्पशन नजर आ रही है, तो उसे मंथली 20 KL की सब्सिडी, 20 KL की रिबेट देके कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसको सबको। हाँ, वो सारे रिकास्ट करो, अगर एक भी बिल ऐसा मिल गया कि जो मान लो 200 KL की खपत है, वो 200 KL की खपत 10 महीने की खपत है, 20 के हिसाब से बनना चाहिए, 20 के हिसाब से शून्य बिल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको 2 महीने की साइकिल का आपने दिखा दिया कि 200 KL का और 10,000 का बिल भेज दिया, ये सारा चेक करो और ये चेक होना चाहिए। और एक ये इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर आज पूरी दिल्ली के लिए निकाल दो कि ये सारे जो केसेस हैं जिसमें एवरेज बिलिंग हुई क्योंकि लॉकडाउन था या मीटर रीडर नहीं गया जिन कारणों से, और जब फिर रीडिंग में के लिए वो जाता है मीटर की फोटो ज्यादा दिखती है रीडिंग, तो रीडिंग ज्यादा दिखेगी क्योंकि आपने पिछले 10 महीने के अंदर मीटर रीडिंग नहीं ली तो ज्यादा दिखेगी, वो ज्यादा खपत को उस 2 महीने की साइकिल पिछली साइकिल की खपत नहीं मान सकते, वो तो पीछे 1 साल की खपत है, 10 महीने की 8 महीने की खपत है, तो उसको आखिरी राउंड की खपत मान के ज्यादा बिल नहीं देना, ये एक इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर पूरी दिल्ली में जारी कर दो सर। वो हमारे बॉस अभी एक हमने ऑर्डर भी कर दिया है कि 250 से ज्यादा रीडिंग बना ही नहीं सकता मीटर, वो एक अलग बात है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरी बात समझ गए? तो वो आज एक इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर DOR को कहकर निकलवा दो, ठीक है, उसकी कॉपी मेरे ऑफिस में आ जानी चाहिए शाम तक, और आज इसमें ये रिकॉर्ड कर लेना मिनट्स में, एक तो ये सस्पेंड टर्मिनेट होंगे, इनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए बनाएंगे केस, और ZRO साहब खुद अब अपने पाँव पे 11 नंबर की बस पकड़ के एक एक घर में जाएंगे, खुद एक एक मीटर देखेंगे पूरी सुंदर नगरी का, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे, जहां जहां बिल गलत है वहां खड़े होकर वहीं रेक्टिफाई कराएंगे, रिकास्ट करेंगे, एक हफ्ते के अंदर एक पूरी एक्सरसाइज करके रिपोर्ट देंगे, ठीक है, और अगर कहीं भी गड़बड़ी किसी मीटर रीडर की निकलती है, मीटर रीडर को टर्मिनेट करा जाएगा, सस्पेंड नहीं करा जाएगा, एक हफ्ते में जनता की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है और ये सारी चीजें नहीं ठीक होती है तो 56 में ZRO साहब को हम नमस्कार कर देंगे दिल्ली जल्द। मैं पक्षों का नहीं ZRO साहब, ये मन समझना कि हल्का मामला है, आपकी कंप्लेंट मेरे को, मैं अंदर घुसा हूँ, लोगों को पता भी नहीं था मैं आ रहा हूँ, बाहर लोग मिलकर कहते हैं ZRO साहब बदतमीजी करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, कहते हैं बिल कम नहीं होगा, जहाँ जाना है चले जाओ, नहीं होगा, अगर अब एक बदतमीजी की शिकायत आ गई ना, ये मौका दे रहे हैं आपको, लास्ट है, लास्ट मौका है, मैं पक्षों का ठीक हो, अच्छा कराते हैं जी, और धन्यवाद।